तो ये दोस्तों एक और अपार्टमेंट के टूर के लिए मैं निकला हुआ हूँ अंकारा में। ये देखिए ये एक बिल्डिंग है जहाँ पे अभी हमने फ्लैट देखना है। ये डुप्लेक्स फ्लैट है और इसके नीचे सारी शॉप्स हैं। तो ये है दोस्तों उस्मान गाजी पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल, जो अपार्टमेंट से हार्डली 200 मीटर्स की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, मुश्किल से एक मिनट की वॉक भी नहीं है। सामने स्कूल है, ये देख सकते हैं आप। और ये सामने अपार्टमेंट और यहाँ पर ये सारी शॉप्स हैं, ये सुपरमार्केट है। और ये मैं आपको एरिया का टूर भी करवा रहा हूँ अपार्टमेंट टूर के साथ, ये देखें। और ये इसका प्लेग्राउंड है स्कूल का, तो ये स्कूल का प्ले एरिया। और ये हमारा अपार्टमेंट, वो रहा सामने, ये रहा, ये देखिए, ये रहा वो स्कूल। अभी मैं और नीचे की तरफ आया हूँ स्कूल का पूरा व्यू दिखाने के लिए। तो ये रहा स्कूल, ये है प्ले एरिया स्कूल का जो अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने है। तो बिल्कुल इमाम आतिब स्कूल भी है इधर जिस इलाके में मैं खड़ा हुआ हूँ अभी। और जो अपार्टमेंट है बिल्कुल ये रहा आपका, ये वॉक करके वहाँ जाएंगे तो ये सामने ही अपार्टमेंट है। और अंकारा में भी हर सिटी की तरह वीकली बाज़ार लगता है, तो यहाँ पर एक वीकली बाज़ार है जो यहाँ से हार्डली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये इमाम आतिब स्कूल, इसके पीछे की तरफ एक सड़क है, ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके लिए जाने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से आप टर्न लेंगे और 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस करेंगे तो आपको जुमा बाज़ार ही मिलेगा जो जुमा के दिन लगता है। तो अभी मैं शुरू करता हूँ अपना टूर अपार्टमेंट का। तो ये एंट्रेंस है दोस्तों, और इसमें लिफ्ट अवेलेबल है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें ऑटो पार्क भी है, पेपर वर्क सब कुछ क्लियर है। तो ये अभी हम जो डुप्लेक्स फ्लैट देखने जा रहे हैं ये उसकी लिफ्ट है। ये लिफ्ट से चढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर ऊपर की तरफ आए, ये रहा फ्लैट का एंट्रेंस। अभी हम अंदर चलते हैं। ये अंदर आते ही साथ लेफ्ट हैंड साइड पे पैसेज है और ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की। आइए सामने सबसे पहले रूम में चलते हैं। तो ये रहा पहला रूम, और ये देखिए फर्स्ट बेडरूम का व्यू। अच्छा स्पेशियस रूम है और क्लीन है, अनयूज्ड है दोस्तों। और ये 2 साल पुरानी बिल्डिंग है, और बेस्ट पार्ट इसके अंदर कोई अब तक रहने के लिए आया नहीं है, बिल्कुल अनटच फ्लैट है और अनयूज्ड फ्लैट है। ये रहा सेकंड बेडरूम, ये देखिए। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट सेंटर्स है, वो मैं बताऊँगा आपको। ये देखिए ये हो गया। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये देखें, ये रहा बाथरूम, ये देखिए, ये देखें। इसी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा टॉयलेट है, ये देख सकते हैं सामने की तरफ एक एक्स्ट्रा टॉयलेट इंडियन स्टाइल। और इसके साथ एक वॉश बेसिन भी लगा हुआ है। इसके बाजू में आप देखते हैं ये रहा किचन एरिया, ये देखिएगा कितना खूबसूरत किचन है। और बेस्ट पार्ट ये जब से लिया हुआ ऐसे ही है, इसमें अभी फैमिली जो है वो यहाँ रहती नहीं है, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो ये यूज़ नहीं हुआ फ्लैट ज़्यादा, बिल्कुल अनटच्ड है। ये देखिए शेल्फ है, ये देखिए शेल्फ है, यहाँ सिंक है, बहुत ही अच्छा स्पेशियस किचन है। ये देखिए ये सब हीटिंग सिस्टम्स के इंस्टॉलेशन भी हुए हैं लेकिन लगाया नहीं गया क्योंकि यूज़ ही नहीं हुआ। ये इसके साथ एक बालकनी है किचन के साथ में, ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए व्यू देखिए कितना खूबसूरत है किचन के साथ साथ।
अच्छा ये हमारा लिविंग एरिया रह गया, तो ये है लिविंग एरिया, ये देखिए बहुत ही ह्यूज लिविंग एरिया है, काफ़ी बड़ा है। ये देखिए आइए लिविंग एरिया के अंदर भी देखिए, एक एक्स्ट्रा बालकनी कनेक्टेड है, बहुत इम्पोर्टेंट और काफ़ी अपॉर्चुनिटी अवेल करने वाला फ्लैट है ये। ये देखिएगा हर जगह से बेस्ट पार्ट ये, हर एक कमरे से आपको रोड का व्यू दिखाई देगा, मार्केट्स का व्यू दिखाई देगा और स्कूल्स दिखाई देंगे। सामने अपार्टमेंट है जो अभी हम लोग ने देखा दूसरे को, और बहुत ही पीसफुल और बहुत ही क्लीन एरिया है। फ्लैट एरिया देखिए बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अमेजिंग है। फर्स्ट बेडरूम, सेकेंड, थर्ड, यानी तीन बेडरूम। मैं अभी लिविंग में खड़ा हुआ हूँ, लिविंग एरिया में, मैं अभी लिविंग एरिया में खड़ा हूँ। ये रहा किचन, अब चलते हैं ऊपर की तरफ, ये मैं दिखाता हूँ आपको सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। अभी हम लोग ऊपर की तरफ आ गए हैं सीढ़ियों से, तो ये ऊपर की तरफ आएंगे तो दोस्तों ये एक बेडरूम है, ये देखिए, और ये देखिए काफ़ी ह्यूज है ये वाला बेडरूम। तो फिर से एक बार देखिए दोस्तों, ऊपर आने के बाद फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, पैसेज, बाथरूम, थर्ड बेडरूम, इसके सामने एक्स्ट्रा टॉयलेट, ये एक्स्ट्रा रूम, इसको आप एज अ लिविंग एरिया भी ऊपर से यूज़ कर सकते हैं, एज अ रूम यूज़ कर सकते हैं इसको बेडरूम, या तो इसको एज अ किचन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले ये रूम का साइज़ देखिए, कितना बड़ा रूम है ये, इतना बड़ा है ये। आइए अब आइए मैं इसकी बालकनी दिखाता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत व्यू जहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इस फ्लैट की खासियत जो है वो है इस फ्लैट की जो खासियत है वो है इसकी बालकनी। तो ये दोस्तों ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये बालकनी है, ये देखिए सामने देखें, एक जस्ट आइडिया मिलेगा कितना खूबसूरत और कितने अच्छे से बनाया हुआ है। इसमें बाकायदा लिविंग एरिया, सोफ़ा भी पड़ा हुआ है, किचन भी है यहाँ पर। तो ये सामने की अपार्टमेंट है, जिन्होंने सिंक भी लगा रखा है, सो इट्स लाइक विला लाइफ एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे जो लोग ऊपर की तरफ डुप्लेक्स लेके रखा है। तो अगर आप भी ऐसी एंजॉय करना चाहते हैं मोमेंट्स को, और ये फ्लैट वेस आपके उस टेस्ट को फुलफिल करता है, ये देखिए बालकनी की साइज़, ये एक साइड खड़ा हुआ हूँ मैं, ये देखिए कितनी ह्यूज बालकनी है, ये देखें कितनी ह्यूज है ये। अब जहाँ से मैं अंदर आया हूँ ये बालकनी है, बहुत ही ह्यूज। आइए मैं इसका भी, इसको इसका रूफ टॉप भी दिखाता हूँ आपको, ये देखें हाँ। तो दोस्तों अब ये मैंने आपको सारा फ्लैट दिखा दिया, अब मैं ख़ास करके इसके व्यू के बारे में बात करता हूँ। ये देखिए ये इसके टेरेस पे आएंगे तो सबसे खूबसूरत व्यू आपको टेरेस पे से दिखाई देगा, ये रहा देखिए चारों तरफ पहाड़, ये रहा एक रोड। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो रोड है इंटरसेक्शन, ये लगता है करापुर चेक, और जब हम अंदर की तरफ आते हैं इस गली के अंदर तो ये लोकेशन डिस्ट्रिक्ट मामक लग जाता है इसमें। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये देखें स्कूल दिख गया आपको, और ये यहाँ पर जो है कल्चरल सेंटर है। अच्छा मैं एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बता दूँ दोस्तों, कि कुछ लोगों के माइंड में डाउट है ममक एरिया को लेके, कि ममक इज़ नॉट अ गुड एरिया, और ममक जो है क्रिमिनल एरिया है, या इट्स नॉट एन एडवाइजेबल एरिया। अगर आपने सुन रखा है ममक के बारे में कोई नेगेटिव रिव्यूज, तो दोस्तों मैंने नेगेटिविटी दूर करने के लिए आपको ये बताया कि ये देखिए ये इलाका है,
और दोस्तों मैं ममक का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का डाउट्स क्लियर कर दूंगा, और मेरी वीडियो में आपको ममक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। तो एक्चुअली जो ममक जिसको लोग अज्यूम कर रहे हैं कि बुरा एरिया है, वो एरिया है कहाँ पर और वो लोकेशन क्या है, तो मैं वो आपको बताऊँगा उसके बारे में भी। तो ये दोस्तों ये चीज़ समझनी आपको, ये करापुर चेक और ये अब जहाँ हम लोग खड़े हैं ये ममक है। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स साथ हैं, वो है करापुर चेक और ये है ममक। इस फ्लैट का एरिया जो मैंने अभी आपको बताया, इसकी साइज़ है 7+1 और इसकी कॉस्ट है तकरीबन 4.5 लाख टर्किश लीरा, 4,50,000 टर्किश लीरा, और इसका एरिया है अराउंड 250 स्क्वायर मीटर का एरिया है, ऊपर का नीचे का। ये रहा रोड, ये देख रहे हैं आप, ये रोड है, ये देखिए व्यू, देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं इस अपार्टमेंट के बारे में, यानी शॉपिंग से लेके हॉस्पिटल्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, वीकली बाजारी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैंने आपको इसी एक वीडियो में समराइज़ करके बता दी है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके उन सवालों का जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।